ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्ली का रोना, घर में दिखाई देना या बार बार सामने आना, रोड काटना या आपकी राह चलते चलते सामने से निकल जाना कई प्रकार का शुभ और अशुभ संकेत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में बिल्ली का बच्चे देना या उनका घर में बार बार आना किस प्रकार का संकेत होता है? तो आइए विस्तार से जानते हैं पंडित ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से कि बिल्ली का बार बार दिखाई देना या रोना किस प्रकार का संकेत बताया गया है। ज्योतिषीय अनुसार या शकुन अपशकुन के अनुसार हम विचार करें तो कुछ पशु घर में पाले जा सकते हैं या जिनका दिखना अति शुभ होता है, जैसे गौ माता। गौ माता को घर में पालना अति शुभ होता है, गौ माता के दर्शन अति शुभ होते हैं क्योंकि वह मंगलकारी स्वरूप है। गौ माता के अतिरिक्त कुछ लोग घर में बिल्ली पालते हैं या कुत्ते इत्यादि पालते हैं, तो ये व्यवहारिक रूप से शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हिंसक जंतुओं को घर में नहीं पालना चाहिए। और शकुन और अपशकुन के अनुसार यदि हम बिल्ली के ऊपर विचार करें तो सामान्यतः बिल्ली का दिखना तो शुभ होता है, और बिल्ली का यदि प्रातः काल दिखना हो जाए तो किसी पूर्व परिचित, किसी मित्र या किसी मेहमान के आने का वह संकेत रहता है। यदि बिल्ली आपके घर में बच्चे देती है तो यह भी शुभ संकेत है, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, ऐसा संकेत है। किंतु बिल्ली का रोना या बिल्ली की लड़ाई दिखना यह शुभ संकेत नहीं होता है। यह किसी प्रकार के संकटों का संकेत है, घर में होने वाले आने वाले ग्रह क्लेशों का संकेत है। बिल्ली का रास्ता काटना भी यात्रा में विघ्न का संकेत करता है। जो यात्रा जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं वह उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं होता यदि बिल्ली रास्ता काट जाती है। सफेद भूरी रंग की बिल्ली दिखना शुभ होता है, लेकिन काले रंग की बिल्ली का दिखना अशुभ होता है, और ये काले रंग की बिल्ली का घर में आना भी नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर के आने का संकेत होता है।